मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम करा रहे हैं प्रोड्यूसर्स कंपन से। क्या 7 साल बाद बदल गया है सुभाष का स्टाइल? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजू बाबा करेंगे लॉस की भरपाई। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूरज पंचोली की मूवी हीरो के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर सुभाष गई ने लिया था बॉलीवुड से टेम्प्रेरी रिटायरमेंट। लेकिन अब 7 साल बाद एक बार फिर वो आ रहे हैं बॉलीवुड में वापसी अपने एक जबरदस्त पुराने प्रोजेक्ट के रीमेक के साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खलनायक 2 की, जो कि जल्द ही हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। और इस बार भी हमें बॉलीवुड के इररिप्लेसिबल खलनायक संजू बाबा ही नजर आने वाले हैं। ऑल्दो इस बात पर कुछ लोगों का मानना ये है कि शायद सुभाष घई अपने 7 साल पहले हुए नुकसान का कंपनसेशन संजू बाबा से कराने वाले हैं उनके थ्रू इस मूवी को हिट कराकर। हालांकि दूसरी तरफ कुछ का मानना ये भी है कि संजय दत्त का जो चार्म हमने खलनायक के पार्ट 1 में देखा था वैसे ही चार्म अब दिख पाना काफी मुश्किल है। वापस एक खलनायक का वही रूप और स्टाइल का आ पाना अब शायद एक्टर के लिए काफी मुश्किल होगा और मे बी ऑडियंस उनसे इस बात पर उतनी इम्प्रेस ना हो। अब अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें सुभाष गई के स्टाइल की, तो हो सकता है कि इस बार अपना कमबैक वो अपने ओल्ड स्कूल स्टाइल चेंज कराकर लाए हो कुछ नया और अलग, जो कि आज की ऑडियंस को देखने में पसंद आए। अब वैसे तो हमने तो सुभाष गई की पुरानी जो भी मूवीज देखी है उसमें वही पुराना प्लॉट देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि इस अपकमिंग पार्ट में प्रोड्यूसर अपना अलग अंदाज दिखाकर जनता को इम्प्रेस कर बना दे मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट। पर फिलहाल ये सब देखने के लिए हमें करना होगा इंतजार मूवी के रिलीज होने का। पर जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हमारे मुन्ना भाई खलनायक 2 के साथ साथ अपनी एक और जबरदस्त मूवी बाप भी जल्द ही सिनेमा में लाने वाले हैं। ऑल्दो अभी हमें किसी मूवी की रिलीज डेट नहीं पता है, पर अपडेट्स के अकॉर्डिंग जल्द ही हमें ये इन्फॉर्मेशन भी सुनने को मिलेगी। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो होता है एंड, लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलती हूँ आपसे हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें।